हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, बिल्कुल मैं लाइव हूं आप लोगों के साथ और आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि आज के सेशन की महत्वपूर्ण खबरें क्या है। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी को नमस्कार। हेलो रोहित, हेलो तरुण। चलिए, राधे राधे भाई, नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर क्या है। सुरैती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? जो सुरैती है बच्चों, ये किस क्षेत्र की एक लोक चित्रकला आ जाती है? कौन सी सुरैती? ठीक है, नमस्कार नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। चलिए तो देखिए, सुरैती की बात करें बच्चों, तो सुरैती कहाँ की? बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। कहाँ की? सुरैती जो है ये बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। कहाँ की है? सुरैती। ध्यान रखना, क्या लिखेंगे? सुरैती। सुरैती जो लोक चित्रकला है, सुरैती लोक चित्रकला, ये किस क्षेत्र की आ जाती है? तो सुरैती जो लोक चित्रकला है, ध्यान रखना ये आपके, ठीक है, कहां पर मिल जाएगी? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में। क्या? कुबहर। यहां पर कौन सी चित्रकला चलती है? तो कुबहर और तिलंगा। तिलंगा बच्चों, ये दीवालों पर बनाया जाता है। तिलंगा कहाँ बनता है? तो तिलंगा जो दीवालों पर बनाया जाता है, और कुबहर कहाँ होता है? जो शादी उत्सव के दौरान क्या बनाते हैं? तो ये कुबहर बनाया जाता है। क्या? कुबहर को बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। निवाड़ में क्या? थापा और जिरौती। ठीक है, थापा जो लोक चित्रकला है, थापा और जिरौती चित्रकला है, ये कहां पर होती है, कहां पर बनाई जाती है? तो थापा और जिरौती जो लोक चित्रकला है, ये मध्य प्रदेश में कहां मिलेगी? निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, थापा और जिरौती ये कहां की लोक चित्रकला है? तो ये निमाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला आ जाती है। ठीक है, हाँ, लक्ष्मी माता की इसमें चित्र क्या बनाते हैं? लक्ष्मी माता। तो बुंदेलखंड की सुरैती यहाँ पर लोक चित्रकला आ जाती है। नौरता यहीं पर क्या है? सुरैती के अलावा बच्चों लिखेंगे नौरता। नौरता भी कहां पर है? तो नौरता जो लोक चित्रकला है, ये बुंदेलखंड की लोक चित्रकला। तो लोक चित्रकला कौन है? नौरता। ये भी किस क्षेत्र की आ जाएगी? तो बघेलखंड की, सॉरी बुंदेलखंड की। और माडना, मालवा की क्या है? तो जो माडना है ना, तो माडना जो लोक चित्रकला है, माडना लोक चित्रकला, ये किस क्षेत्र की है? तो माडना बच्चों जो लोक चित्रकला है, ये किसकी आ जाएगी? तो मालवा की आ जाएगी। ठीक है, हाँ, थापा याद रखेंगे, थापा और जिरौती। थापा और जो जिरौती लोक चित्रकला है, ये मध्य प्रदेश में कहां मिलेगा? निमाड़ क्षेत्र में मिलेगा। थापा और जिरौती ध्यान रखेंगे, कुबहर और तिलंगा बघेलखंड का है। माडना कहां की लोक चित्रकला है? तो ये मालवा क्षेत्र की है। सुरैती जो लोक चित्रकला है, और नौरता ये लोक चित्रकला कहां की मिलेगी? तो बुंदेलखंड रीजन में है। कहां पर? बुंदेलखंड रीजन की आ जाती है। ठीक है, हाँ, मूर्ति भी है, कई अलग अलग पेंटिंग्स हैं। ठीक है, कई अलग अलग चित्रकलाएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कई अलग अलग चित्रकलाएं हैं जो कि अलग अलग भागों में मध्य प्रदेश में ये बनाई जाती हैं। नमस्कार सभी को। हेलो तरुण, अंजना, प्रतीक्षा, अंकित, सही बच्चों को नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, आइए देखें। दादर जो नृत्य है, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में से संबंधित है? जो दादर डांस होता है, ये मध्य प्रदेश में कहां पर होता है? दादर। ठीक है, दादर जो लोक एक नृत्य है मध्य प्रदेश का, ये किस क्षेत्र में होता है? देखिए, मालवा बच्चों मटकी होता है। मालवा में क्या होता है? मटकी नाम का नृत्य होता है, मटकी नृत्य, मटकी डांस, ये कहां पर होता है? तो मटकी नृत्य याद रखना, ये मालवा में होता है। और देखो, बुंदेलखंड की बात करें तो यहां पर बधाई, यहां पर क्या होता है? बधाई और राई, यहां पर बधाई और राई होता है। बघेलखंड में क्या होता है? दादर, दादर और कुलदहका, दादर और कुलदहका, ये कहां पर होता है? तो दादर और कुलदहका याद रखना, बघेलखंड क्षेत्र में। कहां पर? बघेलखंड क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। और निमाड़ में क्या होता है? निमाड़ में कौन सा डांस होता है, कौन बताएगा? ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन बताएगा? ठीक है, चलिए, माड़ना में रंगोली बनाई जाती है, बिल्कुल। जिरौती हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बताएंगे यहां पर कि जो आपका निमाड़ में कौन सा डांस होता है। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में, तो बच्चों आपने सुना होगा काठी, क्या नाम सुना? काठी और गणगौर। काठी और जो गणगौर डांस है, काठी और गणगौर, ये नृत्य कहां के हैं? तो ये नृत्य याद रखना, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में किए जाते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना।
तो जो गणगौर और काठियाई निमाड़ क्षेत्र में होता है और दादर कोलदहका ये कहां पर है, कहां पर आपको मिलेगा, बघेलखंड में, कहां पर मिलेगा, बघेलखंड क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। और मटकी कहां मिलता है, तो मटकी बच्चों मालवा में, ठीक है, मटकी कहां मिलेगा, मालवा में। और मालवा में ही क्या कौन सा डांस होता है, तो आड़ा खाड़ा, क्या लिखिएगा, आड़ा आड़ा खाड़ा, ठीक है, आड़ा खाड़ा ये जो नृत्य होता है कहां पर होता है, ये मालवा क्षेत्र में किया जाता है, कहां पर, मालवा क्षेत्र में ये किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो राज्य राजमार्ग है ये कौन सा है। हाँ, फिफरिया भी होता है, फिफरिया भी कहां पर होता है, याद रखना निमाड़ क्षेत्र में, फिफरिया भी कहां पर होता है, तो याद रखना बच्चों फिफरिया आपके निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य आ जाता है, आड़ा खाड़ा हो जाएगा, फिफरिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गणगौर हो गया, सभी है। इनमें से मध्य प्रदेश का जो एक राज्य सरकार का एक होता, देखो एक होता नेशनल हाईवे, एक होता एनएच होता है नेशनल हाईवे, और एक होता स्टेट हाईवे, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो स्टेट हाईवे है कौन सा है, नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा, कौन सी बात कर रहा, स्टेट हाईवे की बात कर रहा है, एनएच की बात ही नहीं हो रही है, एनएच की तो बात ही नहीं हो रही ना भाई साहब, एनएच की तो हम बात ही नहीं कर रहे, स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग ये कौन सा आ जाता है, सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश का राज्य राजमार्ग है ये कौन सा है, एनएच की तो बात ही नहीं हो रही है, नेशनल हाईवे तो मैंने नेशनल हाईवे तो वैसे भी क्रॉस कर दिया, नेशनल हाईवे की तो बात ही नहीं हो रही है, स्टेट हाईवे की बात हो रही है, तो स्टेट हाईवे सबसे लंबा कौन है बच्चों, तो स्टेट हाईवे 19, ठीक है, ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा राज्य राजमार्ग, राज्य सरकार के अंदर जो अधीन आता है राज्य राजमार्ग ये कौन सा है, तो याद रखना आपका स्टेट हाईवे 19 आ जाता है, और सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन है, 39A है, सबसे छोटा राज्य राजमार्ग, ठीक है, राज्य राजमार्ग ये कौन सा है, तो याद रखना सबसे छोटा जो राज्य मार्ग है ना, स्टेट हाईवे 39A कौन सा है, स्टेट हाईवे 39A सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है, और सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो कौन सा है, याद रखना स्टेट हाईवे 19 है। हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो याद रखना बच्चों SH-19 है, ठीक है, स्टेट हाईवे 19 ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है, 39A, ये राज्य सरकार का है, और एनएच की तो बात ही नहीं हो रही है, और जब एनएच की बात आएगी तो आप एनएच लगाएंगे, ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा, जरा बताइएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा है कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश का कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग ये मध्य प्रदेश का कौन सा है, कौन बताएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है कौन सा है, क्या लगता है जरा बताइएगा, ठीक है, सबसे बड़ा जो गूगल कर लिया था, अच्छा गूगल कर लिया था उसमें यही मिल गया, अच्छा ठीक है, बताएंगे एनएच की बात हो रही, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन है मध्य प्रदेश का, तो बच्चों याद रखना NH-46 है, कौन सा है, NH-46 जो है ना ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा, याद रखना NH-46, NH-3 तो अब है ही नहीं मध्य प्रदेश में, इसी NH-3 का नाम क्या हो गया, NH-46 हो गया, क्या हो गया, NH-46 हो गया, ध्यान रखिएगा, NH-3 तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं, NH-3 तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं, इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल अंजना ने सही आंसर किया है, ठीक है, अंजना ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, तो बच्चों एनएच जो नेशनल हाईवे 46 है, NH-3 तो अब मध्य प्रदेश में है ही नहीं, याद रखिएगा, आपने पुरानी किताबें पढ़ी होंगी, पुरानी किताबों में क्या मिलेगा, NH-3 ही मिलेगा, इसे अपडेट कर लीजिएगा या नई किताब खरीद लीजिएगा, ठीक है, NH क्या है, 46 है, ये मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाएगा, ठीक है, NH-46 क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 46, ना कि NH-3, NH-3 ही क्या बदल चुका है, अब NH-46 हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट करेंगे, और NH-39BB जो है ना सबसे छोटा है मध्य प्रदेश में, सबसे छोटा मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश का ये क्या मिलेगा मध्य प्रदेश का, तो NH-39BB मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है ये कौन है, तो 339B जो है सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, और राज्य वाला कौन सा है, तो स्टेट हाईवे 39A ये सबसे छोटा है, NH-44 बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ग्वालियर से बैतूल है, NH-46 जो है ना ये कहां से है, तो ग्वालियर से बैतूल के बीच में है, ठीक है, कहां पर है ये,
ग्वालियर से बैतूल, क्या लिखेंगे, ग्वालियर से बैतूल आ जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल 634 किलोमीटर के लगभग है, कितना 634 किलोमीटर के ये लगभग आपका मिल जाएगा। ठीक है, 634 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा, 44 है, जो पहले 7 था। ठीक है, पहले बच्चों NH-7 कहलाता था, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया, 44 हो गया है, जो NH-44 है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ठीक है, हेलो महादेव की लाडली, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, यहां तक सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना, तो याद रखना ये सब चेंज हो चुके हैं, अब इन सभी नेशनल हाईवे के नाम बदल गए हैं, तो एक बार आप लोग सारा क्या कर लेना, अपडेट कर लेना, अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, और इसे फाहियान ने, चीनी ट्रैवलर की बात करें बच्चों, चीनी यात्री ने क्या बोला था, चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, क्या नाम था, फाहियान, तो फाहियान ने भी इसको कह सकते हैं कि इसका क्या किया था, तो फाहियान ने भी बच्चों इसकी तारीफ की थी मालवा की जलवायु को। ठीक है, मालवा की जलवायु को फाहियान ने भी क्या किया था, मतलब कह सकते हैं कि इसके बारे में प्रशंसा की कि मालवा की जलवायु सबसे बेस्ट है। तो याद रखना यहां पर क्या, सम जलवायु, कैसी जलवायु है, सम जलवायु है, ध्यान रखिएगा, कैसी जलवायु है, सम जलवायु, मतलब कहने का कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। ठीक है, यानी कहा जाए तो क्या है, दोनों इक्वल है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कैसी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इस बात को ध्यान रखना। मालवा की जलवायु कैसी है, तो मालवा की जलवायु बच्चों याद रखना ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंड है, मतलब बराबर मौसम यहाँ पे सम जलवायु है, कैसी है ये, सम जलवायु आ जाएगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, कौन बोल रहा है उष्णकटिबंधीय जलवायु, अंकित जी नहीं, ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पर, तो बच्चों याद रखना सम जलवायु आ जाती, कैसी है यहाँ की जलवायु, सम जलवायु आ जाएगी, ध्यान रखेंगे क्या होगी, सम जलवायु आ जाती, मालवा की जलवायु कैसी, सम जलवायु है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय का अवसर मिला था, मतलब कहने का कि इनमें से कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो सबसे लंबे समय तक कह सकते हैं कि, हाँ एक ही होती है, बिल्कुल सम और समशीतोष्ण दोनों एक ही होती है। ठीक है, सम और समशीतोष्ण जो है ना, ये जो है फिर टेम्परेट क्लाइमेट लिखा है ना, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यहां पर दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इनमें से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय का अवसर मिला था, ठीक है, जरा बताइएगा इनमें से कौन ऐसा साहित्यकार है जो कि लंबे समय तक कहां रहा है, लोकसभा का सदस्य रहा, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन इसमें लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा। ठीक है, लोकसभा के लिए लोकसभा में सर्वाधिक क्या रहा, अब समय का अवसर मिला, तो मतलब कहने का कि जो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सांसद रहने का जो समय कह सकते हैं कि जो एक ड्यूरेशन था सबसे ज्यादा किसका रहा है, तो याद रखना बच्चों सेठ गोविंद दास जी का, किसका रहा है, सेठ गोविंद दास, और इनका संबंध कहां से था, जबलपुर से था। ठीक है, कहां से था इनका संबंध, सेठ गोविंद दास जी का संबंध इनका जबलपुर से था, और ये सबसे लंबे समय तक साहित्यकार हैं जो कि कहां रहे, संसद में रहे। ठीक है, कहां, संसद में रहे। ये कब से कब तक लोकसभा के सदस्य थे, तो 1951 से 1974। ठीक है, 1951 से 1974 ये क्या थे, तो नोट करना इन, ये भारतीय संसद के सदस्य रहे। ठीक है, जो पार्लियामेंट है बच्चों, पार्लियामेंट के मेंबर कौन थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, सेठ गोविंद दास जी, और इनका संबंध कहां से था, जबलपुर से था। ठीक है, इनका संबंध कहां से था, जबलपुर से था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सबसे लंबे समय तक क्या रहे, ये संसद के सदस्य रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, द्वारका प्रसाद जी क्या थे, द्वारका प्रसाद मिश्र जी ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और बाल कवि बैरागी ये कहां से संबंध इनका था, मनसा गांव, और मनसा गांव कहां पर आता है, नीमच में, मनसा गांव कहां पर आता है, नीमच में, ध्यान रखिएगा, और इनका वास्तविक नाम क्या था, नंद रामदास बैरागी, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, नंद रामदास बैरागी, ध्यान रखेंगे, नंद रामदास बैरागी बच्चों इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, नंद रामदास क्या था, बैरागी इनका वास्तविक नाम था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, आप सभी जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है,
माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और हिम करियटिनी हिम तरंगिणी इनकी किताब का नाम क्या है, हिम करियटिनी हिम तरंगिणी क्या लिखेंगे, हिम तरंगिणी, ये इनकी रचनाएं हैं। और पुष्प की अभिलाषा क्या लिखेंगे, पुष्प की जो अभिलाषा ये रचना है ये किसकी, तो याद रखना ये पुष्प की अभिलाषा बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना का नाम है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, यहां तक सबको समझ में आ गया जरा बताइएगा, किसी बच्चों के यहां पर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बता दो भाई, ठीक है यहां पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बता दो। और द्वारका प्रसाद मिश्र जी ये बच्चों क्या थे, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ में सागर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, सागर जो विश्वविद्यालय है ना हरि सिंह गौर, याद रखेंगे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जो कि सागर में है, कहां पर स्थित है सागर में। और इसके कुलपति कौन थे, तो इसके कुलपति ध्यान रखना डॉक्टर कौन थे, तो नोट करिएगा द्वारका प्रसाद मिश्र जी, द्वारका प्रसाद मिश्र बच्चों ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, साथ में सागर विश्वविद्यालय के क्या रह चुके हैं, ये कुलपति के तौर पर भी काम किया, किसके तौर पर, सागर जो विश्वविद्यालय है इसके कुलपति के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है, इस बात को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी भोपाल, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना किस वर्ष में की गई है, हाँ 1946 में। सागर विश्वविद्यालय कब बना था, 1946 में बना था, ठीक है सागर विश्वविद्यालय कब बना था, यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, 1946 में बनाया गया था, कब 1946 में, ये सागर में बनाया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई आंसर करेंगे यहां पर बच्चों, जो कि राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई, ठीक है इसकी स्थापना जो है ये किस वर्ष में की गई, गोविंद ये तो साइंस वाले से डायलॉग था, अच्छा ठीक है आइए बढ़ते हैं, ठीक है आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पेज, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तो जनवरी 1991 में क्या बनाएगी, तो राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर, भोपाल में इसकी स्थापना की गई, कब की गई, तो याद रखना जनवरी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग ये भी जानते, देखो मध्य प्रदेश के कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि अलग अलग राज्य सॉरी अलग अलग जिलों में स्थित हैं, तो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे रानी दुर्गावती कब बना, तो रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है, जबलपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1957 के दौरान की गई। विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर है, तो विक्रम विश्वविद्यालय बच्चों ध्यान रखना विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर है, उज्जैन में है, और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1957 में की गई विक्रम विश्वविद्यालय। जीवाजी कब बना, जीवाजी और रानी दुर्गा सॉरी देवी अहिल्याबाई जीवाजी और देवी अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई इनकी स्थापना की गई 1964 में, कब की गई 1964 में की गई। बरकतुल्ला जो कि बीयू भोपाल में है, बीयू कहां पर है, भोपाल में, इसकी स्थापना 1970 में की गई। अवधेश प्रताप सिंह बच्चों जो रीवा में है, एपीएसयू कहां पर है, रीवा में है, और इसकी स्थापना कब की गई 1968 में की गई, ठीक है। और सागर वाला जो हरि सिंह गौर था 1946 में, हरि सिंह गौर ये कब बना 1946 में बनाया गया। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, याद रखेंगे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कब बना 1946 में, 1946 में पहला मेडिकल कॉलेज बनाया गया, चिकित्सा महाविद्यालय, इसका नाम क्या बच्चों, गजरा राजे, क्या नाम है, गजरा राजे। और गजरा राजे जो मेडिकल कॉलेज है कहां है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का जो पहला मेडिकल कॉलेज है इसका नाम क्या है, गजरा राजे है। और गजरा राजे मेडिकल कॉलेज कब बनाया गया, तो 1946 में ग्वालियर में बनाया गया। और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मध्य प्रदेश का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या नाम है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ध्यान रखना कौन सा होगा, जबलपुर हो जाएगा, याद रखना। और जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई, 1947 में। मध्य प्रदेश का पहला जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है ये पहला है, सर साइड हो जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए
बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो याद रखियो कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों मध्य प्रदेश का पहला है और कृषि विश्वविद्यालय सॉरी एग्रीकल्चर की बात करें, हाँ ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है, क्या रखेंगे कृषि विश्वविद्यालय, ये कौन है तो जबलपुर, याद रखना ठीक है। जबलपुर में पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम इसका है जवाहरलाल नेहरू। ये कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है जवाहरलाल नेहरू, तो जबलपुर में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई। कब की गई 1964 में जबलपुर में क्या बनाया गया तो एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई। हाँ पहला मेडिकल कॉलेज गजरा राज्य है जो कि कहां पर ग्वालियर में, पहला मेडिकल कॉलेज क्या है गजरा राज्य है जो कि कहां पर बना था ग्वालियर में, ठीक है गजरा राज्य कहां बना था बच्चों तो ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन, टोंस नदी का उद्गम स्थल कहां पर है टमस, यहां पर बोला गया टोंस का बच्चों मतलब क्या होगा टमस नदी, टमस जो है ना टमस या इसको बोलते तमस, टमस नदी या तमस नदी, इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश में कहां से है, ठीक है इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश में कहां से है। और आज हम लोग अपने जिला दर्शन में क्या पढ़ने वाले हैं मंडला जिला, ठीक है आज हम लोग अपने जिला जो यात्रा है तो जिला यात्रा में आज हम लोग कवर करेंगे मंडला जिले को कवर करेंगे, ठीक है मंडला को कवर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया सुपर, और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। आइए देखें तो जो टमस नदी बच्चों इसकी स्थापना कब की गई, सॉरी टमस नदी जो है इसको कहां से शुरू होती है तो मैहर में, मैहर के तमसा कुंड से, कहां से तमसा कुंड, एक जगह है जिसका नाम है तमसा कुंड के नाम से जाना जाता है और ये कहां से मैहर जिले से निकलती है, ठीक है मैहर के पास मैहर जो जिला बन गया है बच्चों, मैहर जो है ना शारदा माता जी का मंदिर है इसी के पास से क्या निकलती है तमस नदी निकलती है तमसा कुंड से, और यहीं पर क्या है मैहर में क्या है तो मैहर में शारदा माता जी का मंदिर है, क्या है शारदा माता जी का मंदिर है त्रिकुटा पहाड़ी पर, किस पर है ये त्रिकुटा पहाड़ी पर, याद रखना त्रिकुटा पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, ध्यान रखना शारदा माता जी का। और यहां पर 1064 के लगभग क्या है सीढ़ियां हैं, कितनी है 1064 के लगभग बच्चों यहां पर क्या है सीढ़ी है, जो चढ़ने के लिए सीढ़ी है ना इस मैहर मंदिर में जाने के लिए जो कि माता जी का मंदिर यहां पर है, क्या है 1064 यहां पर सीढ़ियां आ जाती है, ध्यान रखेंगे ठीक है। चलिए और मैहर में क्या है तो मैहर में आप जानते हैं मैहर को क्या बोलते हैं तो संगीत नगरी के तौर पर जानते हैं, ठीक है संगीत नगरी किसे बोलते हैं मैहर को, और मैहर में क्या मैहर बैंड की स्थापना किसने की थी उस्ताद अलाउद्दीन खान ने, ठीक है ध्यान रखना मैहर बैंड की स्थापना किसने की थी तो मैहर बैंड की स्थापना उस्ताद अलाउद्दीन खान ने यहां पर किया था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है। चलिए अरे हो गया 1963-64, अब यहां पर एक जो है ना इस पे एक या दो में कमी नहीं आएगी क्योंकि हमने जो देखा था जो आधिकारिक मुझे मिला उनमें 164 के लगभग था, कोई बात नहीं ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं ठीक है। जबलपुर की बात है तो जबलपुर से तो ये ओरिजिन होती नहीं, ठीक है इसका ओरिजिन जबलपुर से तो है ही नहीं, ये आप सब जानते हैं कि जबलपुर से ये नदी निकलती नहीं है, जबलपुर से ऐसी कोई नदी मुझे आज तक दिखी नहीं कि जो जबलपुर से निकली हो। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं जोहिला, क्या है जोहिला नर्मदा और सोन, जोहिला नर्मदा सोन ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती हैं, तीनों नदियां निकलती हैं। और कटनी से क्या निकलती है तो यहां से याद रखना आपकी केन नदी निकलती है, ठीक है केन बच्चों कहां से कैमूर पहाड़ी, केन कहां से निकलती है तो कैमूर पहाड़ी कटनी से, क्या निकलती है कैमूर पहाड़ी कटनी से केन से क्या केन नदी निकलती है कहां से ये कैमूर पहाड़ी से जो कि कटनी जिले के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों के जोड़े नीचे दिए गए हैं आपको बताना इसमें गलत कौन सा है, इनमें से कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो कि नदी पर नहीं बना है, इनमें से कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो इस नदी पर नहीं बना है, चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा, ठीक है इनमें से कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो कि नदी पर नहीं बना है, गलत दिया गया है ठीक है, क्या है गलत बताया गया, क्या लगता है ठीक है। चलो भाई और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, विंध्याचल पर्वत, ओके ठीक है विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत अलग है अंकित जी, विंध्याचल पर्वत अलग है ठीक है, बहुत दुख है, दुख तो जीवन में है ही, सही बात है दुख तो बहुत सारा है। बताओ भाई इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो कि इनमें से सही जगह पे नहीं है, क्या लगता है तो कपिल धारा बच्चों जो है ना ये गलत है, कपिल धारा क्या गलत है ताप्ती नदी पर नहीं है, कपिल धारा किस पर है तो याद रखना ये नर्मदा नदी पर बना है, कपिल धारा किस पर नर्मदा नदी पर, धुआंधार नर्मदा पे, चचाई बिहड़ पे, भालकुंड ये भालकुंड बेतवा पे नहीं है एक्चुअली, भालकुंड जो है ना ये बीना नदी पर है, किस पर है ये भालकुंड बच्चों ये बीना नदी पर है, ध्यान रखिएगा ठीक है, भालकुंड किस पर है
ये बीना नदी पर आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। कहां पर आएगा तो बीना नदी पर, याद रखना, भालकुंड आ जाता है, और इसी को राहतगढ़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बीना नदी पर है, ध्यान रखना, कहां पर है? बीना नदी पर, और इसी को हम लोग राहतगढ़ जलप्रपात कहते हैं। क्या? राहतगढ़ के नाम से किसे जानते हैं? तो भालकुंड को जानते हैं, जो कि सागर जिले में मिलेगा। कहां मिलेगा? सागर में, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअली बीना जो है ना, ये बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है। बीना किसकी सहायक नदी है? तो ये बेतवा की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और नर्मदा पे और कौन कौन से हैं? तो सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा ये जलप्रपात कहां पर है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात ये महेश्वर खरगोन में है, ठीक है। कहां पर स्थित है ये? महेश्वर खरगोन जिले में सहस्त्रधारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंधार जलप्रपात कहां पर है? तो मंधार बच्चों ये खंडवा में है, नर्मदा नदी पर है। और दर्दी जलप्रपात क्या लिखेंगे? दर्दी, और दर्दी जलप्रपात भी खंडवा में है, नर्मदा नदी पर है। कहां पर? नर्मदा नदी पर। धुआंधार हो गया, धुआंधार कपिलधारा और दुग्धधारा, एक यहां पे और लिखेगा, नर्मदा नदी पर क्या दुग्धधारा भी है, ठीक है। क्या है? दुग्धधारा, और ये कहां मिलेगा? अमरकंटक अनूपपुर में। तो कपिलधारा और दुग्धधारा ये दोनों नर्मदा नदी पर कहां है? तो याद रखना, ये मुझे प्रतीक्षा का दुख देखा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, आइए चलते हैं, ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पे, काश आपकी जैसे सारी दुनिया होती, ठीक है, काश ऐसी सबकी दुनिया होती जो किसी का दुख ना देख पाती, है ना, सब अपने अपने दुख देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र इनमें से किसे जाना, कौन सा जिला माना जाता है, ठीक है। भैरवगढ़ बच्चों जो पेंटिंग है, क्या है, जो भैरवगढ़ जो हस्तशिल्प कला की बात कर लेते हैं, जो टेक्सटाइल यानी कि जो हस्तशिल्प कला है, ये कहां पर? हाँ, दर्दी जो हांडिया हरदा, दर्दी हांडिया हरदा नहीं है, दर्दी जो जलप्रपात है कहां पर है? तो दर्दी जलप्रपात याद रखना आपके खंडवा जिले में आता है, अंजना याद रखना, दर्दी जो जलप्रपात है ना खंडवा जिले के अंतर्गत आ जाता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए देखिए यहां पर क्या बोला गया, भैरवगढ़ की जो कलात्मक छपाई है, वस्त्र छपाई है, ये किस जिले से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? उज्जैन हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना, क्या होगा इसका आंसर? उज्जैन हो जाएगा, ध्यान रखना। उज्जैन की क्या है? तो छीपा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छीपा शिल्प कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छीपा हस्त शिल्प कला। क्या लिखेंगे? छीपा हस्त शिल्प कला। ये कहां मिलेगा? तो उज्जैन में। और बच्चों ये क्षेत्र कौन सा आ जाता है? भैरवगढ़। ये कौन सा क्षेत्र आता है? भैरवगढ़, याद रखना। उज्जैन में जो जगह का नाम है भैरवगढ़ नाम है, ठीक है, भैरवगढ़ ये जगह का नाम है, और इसे हम क्या बोलते हैं? छीपा हस्त शिल्प कला, या फिर इसी को हम भैरवगढ़ की कलात्मक वस्त्र छपाई के नाम से जानते हैं। क्या है? तो छीपा पढ़ना, या ध्यान रखना पेपर में अगर आए भैरवगढ़ तो भैरवगढ़ आएगा, तब तो कोई बात नहीं, आप भैरवगढ़ लगाइएगा, और अगर भैरवगढ़ नहीं आता तो फिर क्या आएगा आंसर में? छीपा वस्त्र आ जाएगा, ठीक है, क्या? छीपा वस्त्र कला हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। दमोह की बात करें तो दमोह में कौन सा शिल्प होता है? दमोह में तो ऐसा कुछ है नहीं। बालाघाट में 12 सिवनी है, ठीक है, 12 सिवनी जो हस्तशिल्प कला है, ठीक है। वस्त्र शिल्प की बात करें बच्चों, जो 12 सिवनी वस्त्र शिल्प छपाई की बात करें, वस्त्र छपाई की बात करें, तो ये कहां पर आता है? तो ये बालाघाट में आ जाता है। इसे क्या मिला? जीआई टैग मिला है, इसे जीआई टैग मिला। और आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? आपने सुना होगा चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल कहां का है? तो चिन्नौर चावल ये बालाघाट का आ जाता है। कहां का? चिन्नौर चावल ये बालाघाट का, जिसे जीआई टैग दिया गया। किसे जीआई टैग इसे दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। आपने सुना होगा किसके बारे में? देखिए जरी बटुआ, भोपाल का बच्चों कौन सा है? तो जरी बटुआ, ध्यान रखना, ठीक है। जरी बटुआ कहां का है? ये भोपाल का है, ध्यान रखना। जरी बटुआ कहां का? भोपाल का है, जिसे क्या मिला है? तो इसे जीआई टैग मिला, ठीक है। क्या मिला है? जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, पहले ही किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। और बाकी तो दमोह में तो ऐसी कोई हस्तशिल्प लग नहीं रही, ठीक है, दमोह में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। दमोह का प्राचीन नाम क्या है? तो दमोह का बच्चों तुड़ीकर, ठीक है। क्या है? तुड़ीकर ये किसका नाम था? तो दमोह का पुराना नाम क्या है? तुड़ीकर, ध्यान रखना। और पुरातत्व पार्क, भारत का पहला पुरातत्व पार्क, भारत का पहला पुरातत्व पार्क, पुरातत्व पार्क ये कहां पर बनाया गया? तो भारत का पहला जो पुरातत्व पार्क है ये दमोह में स्थापित किया गया था। कहां पर? दमोह में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। पहला जो पुरातत्व पार्क है ये कहां पर बनाया गया था? दमोह में। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बच्चों अलग अलग क्षेत्रों की क्या है? शिल्प कला है। ये पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है आप लोगों के सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंदौर का क्या है? कृत्रिम अंग बनाने का कारखाना कहां पर है? इंदौर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में अलग से लिख लेना, ठीक है।
हाँ दर्जो दर, हाँ, ये लिखा ना जरी कढ़ाई, भोपाल का क्या है ये जरी कढ़ाई लिखा है, भोपाल का ही जरी कढ़ाई लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, सारे बच्चे जितने यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से लीजिए। धार का क्या भेली शिल्प कला है, अलीराजपुर का क्या है तो भेली शिल्प कला क्षेत्र आ जाएगा। झाबुआ का जो पिथौरा गुड़िया भेली बांस हो गया। उमरिया का लाख शिल्प कला है, अशोकनगर का चंदेरी साड़ी है। ग्वालियर का गुड़िया शिल्प कला है, रतलाम का प्रस्तर शिल्प कला, श्योपुर का खराद शिल्प कला, भोपाल का जरी कढ़ाई, क्या है भोपाल की जरी कढ़ाई है, खरगोन का महेश्वरी साड़ी, बैतूल का मिट्टी और लकड़ी के शिल्प कला है, मंडला का मिट्टी और लकड़ी की शिल्प कला, सहड़ो का कास्ट, मतलब कास्ट का मतलब यहाँ पे लकड़ी होगा, ठीक है, ये जो कास्ट है ना कास्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे लकड़ी, क्या होगा कास्ट का मतलब लकड़ी हो जाएगा, ध्यान रखना ठीक है, कास्ट का मतलब क्या है लकड़ी, ठीक है लकड़ी याद रखना ठीक है, किसकी लकड़ी की बात हो रही है। बालाघाट का बांस शिल्प कला हो गया, होशंगाबाद का कास्ट हो गया, उज्जैन का छिपा जो कपड़ों की छपाई तंगी शिल्प, ये सब कहाँ कहा जाता है उज्जैन जिले का आ जाएगा, कहाँ का उज्जैन जिले का। सर जी आज सागर में गरबा हो रहा था, रविंद्र भवन में एक लड़की लाइन मार रही थी, अच्छा बहुत बढ़िया, एक घंटे बाद उसमें माता आ गई, मैं डर गया, अच्छा हुआ उस पर माता आई थी कि आप पे माता आई थी, मतलब नहीं समझ पाया मैं कहने का मतलब आपका, उस वो लाइन मार रही थी तो आपको मतलब माता आपके ऊपर आ गई या उस लड़की के ऊपर माता आ गई थी। बच के रहे ना, आजकल समय बहुत गलत चल रहा है, ठीक है ना, जादू टोना कर देंगे परेशान हो जाओगे, फिर लेके सब डॉक्टर के पीछे घूमते बढ़े ना, ठीक है ध्यान रखना, घूमते रहेंगे इधर उधर आप लोगों को डॉक्टर लेकर के, डॉक्टर के पास लेकर के, पता ना चल पाएगा क्या हो गया, तो इससे अच्छा है थोड़ा दूर रहना सब चीजों से, ठीक है थोड़ा दूर रहना, है ना, पता चला किसी ने जादू टोना कर दिया ना कभी किसी काम के ना रह पाओगे, बेकार हो जाओगे, फालतू हो जाओगे, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहां पर हुई, लेदर प्रोडक्शन की स्थापना, लेदर प्रोडक्शन के लिए जो मध्य प्रदेश में कारखाना बनाया गया कहां पर बनाया गया, ठीक है जरा बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहां पर की गई थी, इंदौर, सागर, ग्वालियर या फिर सीधी जिले में, इनमें से कहां पर स्थापना की गई चर्म उद्योग के लिए, ठीक है चर्म उद्योग के लिए बच्चों यहां पर कहां पर कारखाने की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में, तो याद रखना इसका आंसर बच्चों क्या होगा इंदौर हो जाएगा। देखो तीन जगह पे चर्म उद्योग जो है ना मध्य प्रदेश के तीन जिलों में ये है, ध्यान रखना ठीक है कहां पर है तीन जिलों में, पहली बात तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इंदौर हो जाएगा, ठीक है इंदौर के बाद दूसरा क्या लिखेंगे भोपाल, इंदौर के बाद क्या हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, और भोपाल के बाद क्या लिख लीजिएगा देवास, भोपाल के बाद क्या लिख लेगा देवास, ठीक है ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन बोलने पर मजबूर हो गया क्योंकि आदत से मजबूर हूं मैं भी, ठीक है आदत से मैं मजबूर हूं, आप लोगों को क्यों ये लगता है कि अगर कि कोई लड़की ने आपकी तरफ देख लिया तो आपको ये क्यों लगता है कि वो मुझे लाइन मार रही है या वो लड़की मुझे देख रही है, ऐसा क्यों लगता है, कभी सोचा ऐसा नहीं सोचा ना, सोचिएगा जरा, ठीक है अगर एक लड़की ने आपकी तरफ देख लिया तो आपको क्या लगता है कि वो आपको लाइन मार रही है, क्या आप उसके लायक हैं, हाँ या ना, आपके मन में ऐसे क्यों आया ख्याल कि वो लाइन आपको मार रही थी, मतलब शब्द का इस्तेमाल देखो आप लोग कैसे करते हो, कि कोई नहीं आपकी कोई तरफ देख लिया तो इसका मतलब वो मतलब ऐसा सोच रही होगी, ठीक है मतलब हर लड़की ऐसी हो जाएगी फिर तो जो देख लेगी वो, ऐसा तो ऐश्वर्या राय भी आपको देख लेगी तो आपको क्या लगेगा कि ऐश्वर्या राय आपके ऊपर फिदा हो गई, है ना, ओ भाई साहब गोविंद जी हैं, चलो ऐश्वर्या राय बोलेगी चलो चलते हैं भाई, ऐश्वर्या राय छोड़ देगी अभिषेक बच्चन को गोविंद जी के साथ चलते हैं ना, आलिया भट्ट रणवीर कपूर को छोड़ देगी आपकी तरफ देख लेगी तो आपकी तरफ चल देगी, आपको लगेगा अरे भाई साहब तो ये तो आलिया भट्ट ने मेरी तरफ देख लिया अब तो रणवीर कपूर को छोड़ देगी अब मुझे मेरी तरफ चल देगी, है ना, ऐसा क्यों लगा आपको, ऐसा कभी सोचा आपने, क्योंकि आप दिन भर आप वो सोचते हैं आपके दिमाग में वो दिन भर चलती ही चीजें, आपके दिमाग में आपके आसपास के जो माहौल परिवेश है या जो आपके मित्र यार होंगे ना उन सबके साथ जो आपकी बातचीत होती होगी ना वो सिर्फ यही चलती होगी कि कोई लड़की ने देख लिया तो मतलब वो मेरे को लाइन मार रही है, मतलब वो मेरे साथ अब चलने को तैयार हो जाएगी, मतलब हद ही यार, ठीक है हद है, चलिए कोई बात नहीं आई बढ़ते हैं। तो चर्म उत्पादन पढ़ लो भैया पढ़ लो, ठीक है पढ़ाई कर लो जीवन में सफल हो जाओगे खूब आगे बढ़ोगे, ठीक है पढ़ाई के अलावा दुनिया में कोई साथ नहीं देने वाला, आइए बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
तो यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहां पर की गई, तो इंदौर भोपाल देवास में की गई। ग्वालियर बच्चों क्या, दिया सलाई, क्या लिखेंगे, दिया सलाई कारखाना, दिया सलाई, दिया सलाई को हम लोग क्या बोलते हैं, माचिस, जो माचिस होती है माचिस, तो दिया सलाई कारखाना कहां पर है, तो दिया सलाई कारखाना ग्वालियर में है, ठीक है। दिया सलाई कारखाना कहां पर है, तो बच्चों ये ग्वालियर में है। और सागर में कहां पर, सागर में क्या, सागर के बीना में, सागर के बीना में क्या है, तो सागर के बीना में ध्यान रखिएगा यहां पर कीटनाशक संयंत्र, क्या लिखिएगा, कीटनाशक संयंत्र बनाने का कारखाना है, ठीक है, कीटनाशक बनाने का संयंत्र, कीटनाशक बनाने का, कीटनाशक बनाने का संयंत्र, ठीक है, कीटनाशक बनाने का संयंत्र ये कहां पर है, बीना सागर में है। और यहीं पर पेट्रोलियम क्या है, रिफाइनरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या है, तो बच्चों ध्यान रखता ऑयल रिफाइनरी, क्या है, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी ये कहां पर, तो याद है तेल शोधन कारखाना कहां पर है, तो आगासोद में, क्या लिखेगा, आगासोद, आगासोद, और आगासोद बच्चों कहां मिलेगा, सागर बीना में, ठीक है, सागर बीना में क्या स्थित है, तो आगासोद में ऑयल रिफाइनरी, ओमान भारत रिफाइनरी, क्या है, ओमान भारत रिफाइनरी यहां पर स्थित है। इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है, ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है, इनमें कौन सा पेयर मिसमैच है, ठीक है, जरा बताइएगा। देखिए जीवन में ना, मैं आप इतना, मैं अनुभव, मेरे पास इतना अनुभव मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये सब बेकार की चीजें हैं, अभी सुधर जाओ, ठीक है, अभी वक्त है, एक वक्त के बाद आपको ये सब बेकार लगेगा, दुनिया में लगेगा कि हम कहां थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। अभी जो ये यंग उम्र होती है ना, मैं बता रहा हूं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वाली ये उम्र इतनी खतरनाक होती है कि मतलब इसमें इंसान को समझ में नहीं आता कि जो कर रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि हम, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जीवन में ना बिल्कुल सारी चीजें नई होती हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि अरे यार इससे अलावा दुनिया कुछ है ही नहीं। लेकिन एक वक्त के बाद आपके पास पछतावे के अलावा कुछ ना रहेगा, ठीक है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और हर इंसान सफल इंसान को ढूंढता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा वो सफल इंसान को ही ढूंढता है। तो अगर आप असफल जीवन में रहेंगे तो अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, आपके अपने जो परिवार होगा, जो माता पिता है, जो भाई बहन रिश्तेदार है, जो आने वाले वक्त में जो आपसे जुड़ेगा वो भी परेशान रहेगा जीवन भर। तो इससे अच्छा है अभी पढ़ लो, करियर बना लो, जीवन भर के लिए सारी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है, जीवन भर के लिए हर चीज अच्छी रहेगी। अदरवाइज ये कुछ समय के लिए है, फिर बेकार है। पूछना जो शादीशुदा होंगे उनसे पूछ लेना, और जो इस, जो आपके दोस्त यार होंगे ना जो इन सब चीजों में फंसे होंगे उनसे पूछना, जीवन नरक होगा दोनों का, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, तो यहां पर बच्चों अगर देखा जाए तो मिसमैच की बात कर लेते हैं, तो मिसमैच इनमें से कौन सा जोड़ा है, गोविंद का ही जोड़ा मिसमैच है, ठीक है, गोविंद का ही जोड़ा मिसमैच है। अब इसमें हम क्या मिसमैच ढूंढेंगे, हमारे सामने लाइव एग्जांपल के गोविंद का ही मिसमैच है सारा सब सिस्टम। बताओ भाई इनमें से क्या होगा, भेलसा क्या है, विदिशा को बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। दसपुर क्या है, मंदसौर हो जाएगा। गोपांचल क्या है, ग्वालियर। तो माहिष्मति क्या है, मंडला नहीं होगा। माहिष्मति बच्चों क्या है, तो आपका महेश्वर। माहिष्मति क्या है, तो माहिष्मति नोट करेंगे महेश्वर, ठीक है। माहिष्मति क्या आ जाएगा, तो महेश्वर आ जाएगा, जो कहां मिलेगा, खरगोन जिले के अंतर्गत। कहां पर है ये, खरगोन जिले के अंतर्गत ये आ जाएगा। कहां पर, खरगोन जिले के अंतर्गत ये आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रचार हेतु गांव घर स्थापित किए गए, गांव घर स्थापित किया गया, इसमें किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है। गांव घर बच्चों यहां पर क्या स्थापित किया गया था, यहां पर शिक्षा को प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यहां पर क्या बनाया गया था, तो बताइएगा इनमें से कौन सा एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, कहां पर, उज्जैन और रतलाम के क्षेत्र में, उज्जैन और रतलाम क्षेत्र में यहां पर कौन सी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इनमें किसकी शुरुआत की गई थी। परेशान ना हो, तुम लोगों की शादी मैं ही करवाऊंगा, मैं पंडित जी हूं, पता है ना कि मैं पंडित जी हूं, मुझे सब आता है, बस थोड़ी सी जो उसकी जो कार्य विधियां होती है ना, कार्य विधियों का मतलब ये कि जो प्रोसेस होता है कि पहले कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये जरूर मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं करवाया, लेकिन तुम सबकी शादी मैं करवाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है, सबकी शादी मैं करवाऊंगा, परेशान ना हो। और सबसे पहले गोविंद हम तुम्हारी ही शादी करवाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें गोविंद की शादी करवाऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा है ना अनुभव पे गोविंद शेयर कर पाए बाकी लोगों के साथ। आइए, तो पौर शिक्षा हो जाएगा, क्या होगा, पौर शिक्षा हो जाएगा, ध्यान रखना, एडल्ट एजुकेशन, ये बच्चों क्या होगा इसका आंसर, याद रखना एडल्ट एजुकेशन हो जाएगा, क्या होगा, एडल्ट एजुकेशन हो जाएगा, जो कि कहां पर, उज्जैन और रतलाम क्षेत्र में शुरू किया गया था, कहां पर,
उज्जैन और रतलाम क्षेत्र में हो जाएगा। और यहां पर कितने साल के बच्चों के लिए, 18 से 35 वर्ष, ठीक है, 18 से 35 साल के जो युवा हैं इनको याद रखना, ठीक है, इनको शिक्षित करने के लिए एडल्ट एजुकेशन की शुरुआत कहां पर की गई थी, तो नोट करना उज्जैन और रतलाम के क्षेत्र में, कहां पर, उज्जैन और रतलाम क्षेत्र में। आइए देखें मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में प्रस्तुत किया था, मध्य प्रदेश का पहला जो बजट था किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है, चलिए बताएंगे, अच्छा कोई बात नहीं, अरे परेशान ना हो, पढ़ाई कर लो, ठीक है, थोड़ा मंत्र आगे पीछे होगा बस, नहीं नहीं मंत्र आगे पीछे नहीं होगा, सब सही जगह पर होगा, ठीक है, सब सही जगह पर मंत्र होगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अरे किराए पे क्यों लेना भाई, आप सरकारी नौकरी करिए, मध्य प्रदेश सरकार में सेलेक्ट हो जाइए, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लीजिए, एक अच्छा सा घर लीजिएगा, अपना घर बनवाइएगा, यही मैं बोलता हूं, जो आप बोल रहे किराया, यहाँ पे किराया वर्ड इस्तेमाल गलत आपने किया है, यहाँ पे किराया वर्ड का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर यह होना चाहिए कि सर मैं कल एक सरकारी नौकरी लूंगा, मेहनत करूंगा और अपने दम पर अपना घर बनवाऊंगा या अपना घर खरीदूंगा, ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल, जब आपके अंदर पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए तब तो काम को करोगे ना, आप पहले गोल तो डिसाइड करो ना कि आपका गोल क्या है, ठीक है, आपका गोल तो लड़की है तो नौकरी कहां से मिलेगी, लड़की मिलेगी ना, नौकरी थोड़ी मिलेगी, तो पहले आपका गोल डिसाइड होना चाहिए ना कि आपको पाना क्या है, पहले आपको लड़की पहले प्राप्त करनी है या पहले आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो दो में से तो कोई एक ही मिल सकती है, दोनों तो मिलेगी नहीं, या तो सरकारी नौकरी मिलेगी या समझ सकते हैं ना, तो पहले एक गोल डिसाइड करिए, अब आपका गोल ही अलग है ना, आपका लक्ष्य देखो कहां पर, पढ़ाई के अलावा दूसरी जगह पर, तो कैसे हो पाएगा, चलिए तो याद रखना बच्चों 10 जनवरी 1957 को किसने प्रस्तुत किया, मिश्री लाल गंगवाल जी ने, किसने, मिश्री लाल गंगवाल जो थे ना इन्होंने क्या किया 10 जनवरी 1957 को, ठीक है, 10 जनवरी 1957 को अपना क्या किया, मध्य प्रदेश का पहला बजट प्रस्तुत किया, ठीक है, पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो पहला बजट प्रस्तुत किया था किसने, मिश्री लाल गंगवाल जी ने, ध्यान रखना, ठीक है, मिश्री लाल गंगवाल जी ने पहला यहां पर बजट प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, जरा बताइएगा, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, पहला बजट किसने प्रस्तुत किया जरा बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद हम मंडला शुरू करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम मंडला शुरू करेंगे, बताइएगा फिर, है ना, बताओ भाई, तो यहां पर स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था, आर के षणमुखम चिट्टी ने, किसने किया था, आर के षणमुखम चिट्टी, बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने भारत का पहला, स्वतंतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया था, 26 नवंबर 1947 को, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को हमारे देश का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो आर के षणमुखम चिट्टी ने। और कुंजीलाल क्या थे, ये विधि पुरुष कहलाते थे, कुंजीलाल दुबे को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहते हैं, कुंजीलाल दुबे जी को, ठीक है, और ये क्या थे, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, कुंजीलाल दुबे क्या थे, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना मंडला, ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मंडला जिले के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, तो हमारे जिला यात्रा में आज हम लोग पहला क्या पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना मंडला जिला पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आइए देखते हैं, ठीक है, आज जो बात हम कह रहे हैं ना, ये आज से 5-7 साल बाद आप दूसरे को बताओगे, जो बात आज मैं आपको समझा रही की कोशिश कर रहा हूं ना, ये आज हमारी बात, ये आज आपसे 5-7 साल हो सकता है 10 साल बाद आप किसी और को बताओगे कि भैया सुधर जाओ, और वो भी नहीं सुधरेगा, ठीक है, वो भी नहीं सुधरेगा, आप उसको बताओगे वो भी नहीं सुधरेगा, ये सच्चाई है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मंडला जो जिला बच्चों, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में आता है, कहां पर आता है, ये जबलपुर संभाग के अंदर आता है, कौन सा, मंडला जिला, देखो जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 8 जिले आ जाते हैं, कितने, 8 जिले, कौन कौन से, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी और डिंडोरी, तो टोटल कितने जिले आ जाते हैं, 8 जिले आ जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 8 जिले आ जाते हैं, कहां पर, जबलपुर संभाग के अंतर्गत, और बच्चों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन है, जबलपुर, यहां पर नोट करके क्या लिखिएगा, नोट करके लिखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है,
तो नोट करेंगे जबलपुर है, ठीक है। क्या है जबलपुर जो संभाग है ना, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग आ जाता है जबलपुर संभाग, ठीक है। चलिए इसे पूर्व में क्या बोलते, गोडवाना व गढ़ा मंडला के नाम से जाना जाता था। जो आपका मंडला है ना, तो इसे बच्चों क्या बोलते, गढ़ मंडला या गोडवाना लैंड कहलाता था। और यही एक वजह है कि हम लोग क्या बोलते हैं, रानी दुर्गावती को हमेशा क्या बोला गया, ये गोडवाना लैंड की रानी थी। क्या थी, गोडवाना लैंड की रानी कौन थी, दुर्गावती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसे गोडवाना, जब मंडला को क्या बोलते थे पूर्व में, तो गोडवाना या गढ़ मंडला के नाम से इसको जाना जाता था। मंडला जिले को नदियों का द्वीप कहा जाता है, क्या बोलते हैं, नदियों का द्वीप, और जैविक खेती का जिला भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चों याद रखना, जैविक खेती का जिला क्या बोलेंगे, जैविक खेती का जिला, और नदियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो मंडला जिले को कहते हैं, किसे, मंडला जिले को कहा जाता है। 1998 में मंडला से क्या बना, डिंडोरी को एक जिला बना दिया गया था, अलग कर दिया गया। अभी हमने कल ही पढ़ा था डिंडोरी के बारे में, तो डिंडोरी क्या बन गया था, एक जिला बना दिया गया था, किससे अलग होकर के, मंडला से अलग करके। आइए देखें अगला, इसका क्षेत्रफल देखिए, मंडला का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 5800 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 5800 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मंडला जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है, कहां पर आता है ये मंडला जिला बच्चों, ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। मंडला कहां पर है, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, मंडला जिला आ जाता है। मंडला जिले के बात की जाए तो यह गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश बना। यहां पे 6 तहसील आती है, कौन कौन सी, बिछिया, घुघरी, मंडला, नैनपुर, निवास और नारायणगंज। ये तहसील बच्चों कहां पर है, मंडला में। वैसे तहसील वहसील नहीं पूछेगा, ये मत पढ़ना, ये तो आपको समझने के लिए सिर्फ यहां पे लिखा है, अदरवाइज ये मत पढ़ना, ये कभी नहीं आएगा, तहसील वहसील नहीं आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मंडला जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन सी, बिछिया, मंडला और निवास। ये 3 विधानसभा क्षेत्र कहां पर है, मंडला जिले के अंदर। तो याद रखना क्षेत्रफल 5800 स्क्वायर किलोमीटर, दक्षिण पूर्वी भाग आ जाता है, ठीक है। 6 तहसील है और 3 विधानसभा क्षेत्र है। आइए बढ़ते हैं देखो अगले पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, इसमें अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, देखो क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, तुम्हारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, मंडला जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 4 अन्य जिलों से लगती है, कहां से लगती है, बालाघाट से, सिवनी, जबलपुर और डिंडोरी। इन 4 जिलों से किसकी सीमा लगती है, तो मंडला जिले की लगती है। और मंडला जिले की सीमा के साथ अन्य राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है, कौन सा है, छत्तीसगढ़ से। नोट करिएगा, मंडला जिला पूर्व में गोंड राजाओं का या गोंड राजा हृदय शाह की राजधानी रहा है। जो गोंड राजा का नाम क्या था, हृदय शाह, क्या नाम था, हृदय शाह, जिन्होंने की मंडला दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो याद रखना जो पूर्व में जो गोंड राजा थे, इनका राजधानी स्पेशली देखा जाए तो राजा हृदय शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड वंश के राजा कौन थे, हृदय शाह थे। इन्होंने नोट करिएगा, पहली ग्राम अदालत कहां स्थापित की गई थी, ग्राम अदालत, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय होगा ना, ग्राम न्यायालय, पहली जो ग्राम न्यायालय थी, ये होगा ना क्वेश्चन का, क्वेश्चन होगा अंकित जी, ध्यान रखना, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ग्राम अदालत, ग्राम अदालत का पता नहीं, ग्राम अदालत नाम तो नहीं सुना, ग्राम न्यायालय जरूर मैंने सुना है, ठीक है, ग्राम न्यायालय मैंने जरूर सुना है, ग्राम अदालत का नाम तो पहली बार सुना है मैंने मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से पढ़िएगा, जो आपने लिखा है ना ग्राम अदालत, ग्राम अदालत की बजाय क्या होगा, ग्राम न्यायालय होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। 2001 के समय पर ग्राम न्यायालय बच्चों कब शुरू हुआ था, 2001 के समय पर शुरू हुआ था। और ये झांतला कहां पर शुरू हुआ था, झांतला में शुरू हुआ था, कहां पर, झांतला, नाम तो सुना होगा झांतला, कहां है झांतला, नीमच में आता है ये, झांतला कहां पर आता है, नीमच के अंतर्गत आ जाता है झांतला। अच्छा अंकित यही पूछ रहे हैं, ठीक है ठीक है, तो झांतला था 2001 में और ये कहां आता है, नीमच में, कहां आता है ये, नीमच में आ जाता है, ठीक है, 2001 में। चलिए मंडला नगर की बात करें बच्चों, जो मंडला नगर है नर्मदा नदी और बंजर नदी के संगम पर स्थित है। मंडला जो नगर है, मतलब कहने का कि जो मंडला शहर है, ठीक है। ग्राम न्यायालय, अंकित कुशवाहा जी, ग्राम न्यायालय कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम न्यायालय है ना, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय कहां स्थापित किया गया था, ग्राम न्यायालय 2001 में झांतला नीमच में स्थापित किया गया था, कहां पर, झांतला नीमच में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो बंजर नदी और नर्मदा नदी इन दोनों के बीचों बीच बच्चों कौन है, तो मंडला नगर स्थित है, शहर जो मंडला शहर है ना इसमें स्थित है। आइए देखते हैं मंडला जिला की अगर बात की जाए, मंडला जो जिला है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, ठीक है यहां पर क्या है मंडला जो जिला है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला आ जाता है, ठीक है वन प्रतिशत वाला, लेकिन अब ये बदल चुका है, यहां पर ये गलत है, ठीक है वन प्रतिशत की बात करें जो नेशनल पार्क की बात हो रही है, ठीक है यहां पे वन प्रतिशत में क्या हो जाएगा नेशनल पार्क का एरिया हो जाएगा, ठीक है नेशनल पार्क वाला एरिया हो जाएगा तब होगा, अदरवाइज ये गलत है इसको चेंज कर लेना, ठीक है अब मंडला नहीं रहा, मंडला की वजह बालाघाट हो गया, ठीक है इस लाइन को यहाँ पे कैंसिल कर दो, हटा दो, ठीक है इसको हटा दो। मंडला जिले में बच्चों मड़ई का मेला लगता है, क्या लगता है मड़ई का मेला लगता है और सहस्त्रधारा का मेला, दो मेले कहां लगते हैं तो मंडला में लगते हैं, कितने दो मेले मंडला में लगते हैं, कौन से वो दो मेले हैं तो मड़ई का मेला और सहस्त्रधारा का मेला, ठीक है नहीं अदालत एक ही है, मुझे ये लगा कि कोई अन्य नाम से कुछ ऐसा होगा, ठीक है जो ग्राम अदालत है ना तो मुझे लगा कोई ग्राम अदालत कुछ नया करके आया होगा, ठीक है ग्राम अदालत करके कुछ नया आया होगा, मुझे ऐसा लगा कि ग्राम अदालत होगा, ग्राम न्यायालय मैंने सुना था, ग्राम अदालत तो नहीं सुनी थी इसलिए मैंने पूछा, ठीक है ग्राम न्यायालय और ग्राम अदालत, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो मड़ई का मेला और सहस्त्रधारा का मेला कहां पर है तो ये मंडला जिले में है। नर्मदा नदी पर बच्चों सबसे बड़ा क्या घाट, रपटा घाट बना कहां पर है तो सबसे बड़ा जो नदी घाट है, क्या नाम इसका, सबसे बड़ा नदी घाट रपटा घाट है जो कि कहां पर है मंडला जिले के अंतर्गत, कहां पर मंडला जिले में। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की भील जाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो कहां निवास करती है मंडला में, गोंड जो जनजाति है ये कहां निवास करती है मंडला क्षेत्र में, जो कि भील जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आ जाती है मध्य प्रदेश की, ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे। मंडला जिले में सर्वाधिक गोंड जनजाति वाला जिला है, ठीक है ध्यान रखिएगा यहां पर बच्चों सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है, गोंड जनजाति यहां पर निवास करती है, 60% के लगभग गोंड जनजाति पाई जाती है मंडला में, 60% भाग में कौन रहता है, ठीक है 60% बच्चों गोंड जनजाति कहां पर पाई जाती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जितनी मध्य प्रदेश में जनजातियां रहती हैं उसमें से 60% क्या होगा गोंड जनजाति निवास करती कहां पर तो मंडला जिले में ये निवास करती, ध्यान रखना ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो भाई नर्मदा नदी मंडला के उत्तर पश्चिम की ओर से प्रवाहित होती हुई मंडला को तीन तरफ से घेरती है, मंडला के किले को, किसको मंडला के दुर्ग को, याद रखना मंडला के दुर्ग को ये तीन तरफ से घेरती है और फिर आगे बढ़ जाती है, क्या आगे बढ़ जाती है। मंडला जिले में गर्म पानी क्या है, गर्म पानी का चमत्कारी कुंड स्थित है, क्या है गर्म पानी का बच्चों चमत्कारी कुंड कहां स्थित है मंडला जिले में, और मान्यता यह है कि यहां से चर्म रोग ठीक हो जाता है, क्या जो चर्म रोग है ये ठीक हो जाता है, ध्यान रखेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बघेलन महल या बघेलिन, बघेलिन महल क्या लिखेगा बघेलिन महल, ये कहां है मंडला में बघेलिन महल है, जो कि राजा किसके द्वारा करवाया गया था गोंड राजा हृदय शाह ने इसे अपना क्या बनाया था, गोंड राजा हृदय शाह ने इसे अपनी रानी चिमनी रानी के लिए बनवाया था, किसके लिए चिमनी रानी, ध्यान रखना चिमनी रानी के लिए क्या बनवाया था, तो जो बघेलिन महल है ना बघेलिन जो महल है ये किसके लिए बनवाया गया था तो रानी चिमनी के लिए बनवाया गया था, जो कि हृदय शाह की पत्नी थी, किसकी थी हृदय शाह, बच्चों याद रखना ठीक है हृदय शाह की जो पत्नी थी रानी चिमनी थी, और रानी चिमनी के लिए क्या बनवाया गया था तो याद रखना आपका बघेलिन महल का निर्माण राजा हृदय शाह ने मंडला में करवाया था। देखो यहां पर क्या स्थित है बघेलिन महल को क्या बोलते हैं, बघेलिन महल को बेगम महल, रानी महल, चौगान महल आदि के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा चौगान महल, क्या लिखेंगे चौगान महल, रानी महल और बेगम महल, ये किसका नाम है तो जो बघेलिन महल है इसका नाम है, ध्यान रखना क्या है इसका नाम है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। मंडला जिले में मोती महल स्थित है, क्या है मंडला जिले में मोती महल स्थित है जिसे राजा महल भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं राजा महल कहा जाता है, और ये किसने बनवाया था राजा हृदय शाह द्वारा 1651 में बनाया गया था, कब बनवाया गया था 1651 में, क्या बनवाया गया तो 1651 में, बच्चों याद रखिएगा यहां पर राजा हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण करवाया था, कब करवाया था 1651 में मोती महल का निर्माण कहां करवाया था तो याद रखना बच्चों मंडला के अंतर्गत। मोती महल तीन मंजिला महल है, जो मोती महल है ना ये तीन मंजिला महल है जिसे वर्ष 1984 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया संरक्षित स्मारक, किसे घोषित किया गया था हाँ चिमनी रानी, पहले का नाम कैसे होते थे चिमनी रानी, हाँ पहले ऐसे थे, पहले ऐसे ही नाम होते थे,
पुराने जो नाम होते थे ना वो ऐसे ही रखे जाते थे, ठीक है, गेंदुआ होता था, ठीक है, गेंदुआ होता था, बहुत सारे मतलब अजीब से नाम सुनने को मिलेंगे। कभी आप वोटर लिस्ट उठाना ना और उसमें देखना, बड़े अजीब से नाम मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं। तो तीन मंजिला भवन कौन सा, तो मोती महल है, 1984 में बनाया गया, जो कि संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। मोती महल के समीप क्या स्थित है, तो हाथी खाना व मंत्री महल, राय भगत की कोठी आदि स्थित है। क्या है, हाथी खाना व मंत्री महल, राय भगत की कोठी, ये सब कहां स्थित है, तो मोती महल के पास में स्थित है। मंडला जिले में जो दल बादल महल, क्या है, दल बादल महल जो बघेलन महल व मोती महल के बीच चौगान में स्थित है। दल बादल महल ये कहां है, तो मोती महल, मोती महल की बात की जाए, मोती महल और बघेलन महल इसके बीच में, दोनों के बीच में, ये मोती महल है और ये बघेलन महल है, इसके बीच में क्या, दल बादल महल यहां पर स्थित है। क्या है, दल बादल महल ये स्थित है, इस बात को नोट करेंगे। मंडला जिले के रामनगर में सुंदरी देवी द्वारा पंचायतन शैली में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्या है, विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सुंदरी देवी के द्वारा, ठीक है, सुंदरी देवी के द्वारा पंचायतन शैली में, किसमें, पंचायतन शैली में, बच्चों याद रखना, ये विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये पंचायतन शैली होती क्या है, पंचायतन शैली का मतलब होता है एक मुख्य मंदिर होगा, बड़ा सा मंदिर होगा, एक बच्चों क्या होगा, बड़ा मंदिर होगा, इसके बाकी चारों छोर पे क्या होगा, छोटे छोटे मंदिर बने होंगे, क्या होंगे, छोटे छोटे और मंदिर बने होंगे, तो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, और ये क्या होगा, बड़ा सा मंदिर, ये क्या कहलाता है, पंचायतन शैली कहलाता है। क्या है, ये पंचायतन शैली कहलाता है, ठीक है, एक बड़ा मंदिर होगा और इसके किनारों पर क्या होंगे, चारों तरफ छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया गया होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली कहते हैं। चलिए, मंडला जिले के रामनगर में मंडला दुर्ग स्थित है। क्या है, मंडला दुर्ग है, जिसका निर्माण राजा नरेश शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, राजा नरेश शाह के द्वारा इस मंदिर, इस महल का निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मंडला में देखो और क्या क्या है, मंडला दुर्ग के अंदर राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। राजराजेश्वरी जो मंदिर है कहां है, मंडला में, इसका निर्माण याद रखना गोर राजा निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था। साथ में बच्चों यहां पर क्या है, जिला पुरातात्विक संग्रहालय, जिसमें जीवाश्म संग्रहित करने वाला पहला क्या है, पहला संग्रहालय मंडला में स्थित करवाया गया। मंडला के कालपी ग्राम में घुघुरा जलप्रपात है। क्या है, घुघुरा जलप्रपात है, और जबलपुर मंडला हाईवे पर, जबलपुर मंडला जो हाईवे है, इसमें जोगन झुरी जलप्रपात स्थित है। क्या है, जोगन झुरी जलप्रपात, जोगन झुरी जो जलप्रपात है ये कहां पर मिलेगा, तो जोगन झुरी जलप्रपात बच्चों जबलपुर मंडला हाईवे पर है, और घुघुरा जलप्रपात ये कहां पर, कालपी ग्राम मंडला के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, मंडला में जो गोंडवाना साम्राज्य द्वारा निर्मित किला तीन ओर से नर्मदा नदी से घिरा है, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। आगे देखते हैं, रानी महल हो गया, रानी महल, बघेलन महल, मोती महल मंडला जिले में स्थित है। सब कहां, मंडला जिले के अंदर आ जाते हैं। चलो, ये तो कवर कर लिया हम लोगों ने। मंडला जिले में दो नदियां, एक तो नर्मदा नदी, दूसरा बंजर नदी के संगम पर बूढ़ी माई की बगिया है। क्या है, बूढ़ी माई की बगिया कहां पर स्थित है, जहां नर्मदा नदी और बंजर नदी का संगम होता है, यहां पर बच्चों बूढ़ी माई की बगिया स्थित है। क्या है, बूढ़ी माई की बगिया कहां मिलेगी, मंडला जिले के अंतर्गत। कहां है मंडला जिले में, तो जहां बंजर नदी और नर्मदा नदी दोनों का संगम होता है ना, दोनों के संगम पर क्या है, बूढ़ी माई की बगिया है। मंडला जिले के चुटका गांव में 1400 मेगावाट का प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र यहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्या है, पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहां पर बनेगा, चुटका गांव में बनेगा, मंडला के, और ये 1400 मेगावाट का, कितने का, 1400 मेगावाट का। रानी अवंती बाई व उनकी सहायिका गिरधारी बाई की समाधि कहां पर है, अब बच्चों ये कहां चली गई, ये मंडला में नहीं, डिंडोरी में चली गई। कहां पर, अब ये मंडला से कहां चली गई, डिंडोरी जिले में चली गई। कहां पर, डिंडोरी जिले में चली गई, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए 1857 के क्रांतिकारी शंकर शाह व रघ ठाकुर है ना, राजा ठाकुर प्रसाद का जन्म कहां हुआ, मंडला में। 1857 के जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम क्या था, शंकर शाह, ठीक है, और ठाकुर प्रसाद, साथ में रघुनाथ शाह है, रघुनाथ शाह का भी नाम लिखिएगा, रघुनाथ शाह है, ठीक है, तो रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ठीक है, ये बाप बेटे थे, और राजा ठाकुर प्रसाद, इनका जन्म कहां हुआ, मंडला में हुआ था। शंकर शाह, देखो यहां पे लिखा भी है कि शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को अंग्रेज शासकों ने तोप से उड़ा दिया था जबलपुर में। कहां पर, जबलपुर में बच्चों याद रखना, रघुनाथ शाह और शंकर शाह दोनों को, ये बाप बेटे थे, 1857 की क्रांति में भाग लिया, कहां से, जबलपुर से,
और इनको अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। कहां पर? जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में इनको तोप से उड़ा दिया था। आइए देखें नेक्स्ट पे, देखो क्या हमारा। मंडला जिले में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ। किसका? सैयद हैदर रजा का जन्म कहां हुआ? मंडला में हुआ। और ये पेशे से क्या थे? चित्रकार थे। ठीक है, पेशे से क्या थे? ये चित्रकार रहे हैं। मंडला जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा व पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसलिए स्थित है? क्या है? कान्हा किसलिए। इसका क्षेत्रफल 940 स्क्वायर किलोमीटर है। कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान 1933 में क्या बना? अभय वन। 1952 में अभयारण्य और 1955 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। क्या? 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1974 में 73-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। यहां पर क्या लिखेंगे? 1973-74 में कहां शामिल हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान में होलो व बंजर घाटी है। क्या है? होलो व बंजर घाटी, ये दोनों कहां पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। बामनी दरार सनसेट पॉइंट, क्या है बामनी दरार? यहां पर क्या सनसेट पॉइंट है जो कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आ जाता है। ब्रेडर प्रजाति का जो बारह सिंघा है ये कहां पर? तो कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है। श्रवणताल, बघीरा रिसोर्ट, ठीक है, बघीरा क्या बच्चों? बाघ का नाम था। बघीरा क्या है? बाघ का नाम है बघीरा रिसोर्ट। और बेगा मंगलू सड़क, राजा रानी, ठीक है, बंजर सुवर्ण आदि नदियां यहां पर बहती हैं। इस कहां पर? नेशनल पार्क के अंदर। मंडला जिले में फैन अभ्यारण स्थित है। क्या है? जो फैन अभ्यारण है ना, फैन जो अभ्यारण है ये कहां पर है? मंडला जिले में। और इसकी स्थापना 1983 में की गई। कहां पर? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए देखें अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है। मंडला जिला बच्चों कास्ट शिल्प व टेराकोटा शिल्प के लिए जाना जाता है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी की आकृति का बना है ना, ये मिट्टी की आकृति का बना एक नमूना है जो कि टेराकोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कहां पर फेमस है? तो मंडला जिले का। और कास्ट मतलब लकड़ी की शिल्पकला। मंडला जिले के मनेरी में क्या औद्योगिक क्षेत्र है? यहां पर लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है और फूड प्रोसेसिंग पार्क है। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट यहां पर स्थित है। मंडला जिले में लाख उत्पादन किया जाता है, चटाई का निर्माण होता है, पान की खेती की जाती है, रस्सियों का निर्माण और लकड़ी की कटाई आदि रोजगार यहां पर फेमस है। मंडला जिले के रामनगर में 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्राम क्या शुरू किया? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कहां से की? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2018 को मंडला के रामनगर से किया था। थावर परियोजना मंडला में बच्चों क्या है? थावर परियोजना है, मटियारा परियोजना यहां पर है और हैलोन परियोजना, साथ में लिखिएगा हैलोन परियोजना, और नर्मदा घाटी परियोजना। ये चार परियोजनाएं मंडला में है। कौन कौन सी? थावर परियोजना, क्या लिखेंगे? थावर परियोजना, मटियारा परियोजना, हैलोन परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना, ये सब कहां है? मंडला जिले के अंतर्गत। और मंडला जिले में क्या संगम घाट, सूरज कुंड, काला पहाड़, हनुमान मंदिर आदि प्रमुख ये स्थल आ जाते हैं जो कहां मिलेंगे? मंडला जिले के अंदर। तो संगम घाट, सूरज कुंड, काला पहाड़, ये सब कहां स्थित है? मंडला जिले के अंतर्गत ये आ जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही था मंडला का। क्या था मंडला बच्चों? सिर्फ इतना ही था। इतनी सारी जानकारियां कहां से हैं? ये मंडला जिले से संबंधित है। और उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी जानकारियां आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होंगी। आप इनको अपने पेपर कॉपी पे नोट्स बनाते रहना, ठीक है। आप लोग पेपर कॉपी में इनके नोट्स बनाते रहना, ये सब आप लिख लेना। ये जानकारियां आपको ढूंढने से बड़े मुश्किलों से मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही मुश्किलों से ढूंढने से मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने समझा होगा। और मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में, ठीक है। आप लोग जानते हैं सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो 8 AM पे हम लोग करंट अफेयर्स के लिए जुड़ेंगे। फिर रात में कल हमारी क्या रहेगा? हाँ, कल शनिवार है ना, कल शनिवार है, तो कल मेरी 8 से 10 में क्लास रहेगी। सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को मेरी क्लास जो रहेगी वो 8 से 10 में रहेगी, ठीक है। सैटरडे और संडे ध्यान रखिएगा, शनिवार और बच्चों रविवार दो दिन याद रखेंगे। शनिवार और रविवार दो दिन हमारी जो क्लास रहेगी ये 8 से 10 में रहेगी। कब रहेगी? 8 से 10 में रहेगी। बाकी तो आप जानते हैं डेली रेगुलर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हमारी जो क्लास चलती है सोमवार से शुक्रवार 9 PM पर होती है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और बिहार चैनल पर देखे, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल, बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर मैं 8 बजे आप लोगों के लिए स्टैटिक की क्लास लेता हूं, ठीक है, स्टैटिक जीके की। तो आप लोग हमारे साथ स्टैटिक जीके की क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके जिसमें आपका MPPSC, रेलवे, SSC, ठीक है, SI, MPSI, ऐसे तमाम जितने सीजीएल के पेपर्स होते हैं
ये सब आपके कवर हो जाएंगे स्टैटिक जीके के अंदर, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात 8 बजे, ठीक है, बिहार एग्जाम्स में एग्जामपुर चैनल पर। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं कल, अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।